नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 1, 2, 3 और 4 मई के लिए दैनिक राशिफल। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आपका आने वाला दिन कैसा रहेगा। 11वीं राशि लेते हैं, एक्वेरिस यानी कुंभ राशि। 1 तारीख को आप दो प्रकार की समस्याओं का समाधान खोजने की कोशिश करेंगे। एक से जुड़ी हुई दो चीजें, ये इस प्रकार का होगा, समझिए जुड़वा जिसको कहते हैं वैसा। यहाँ पर आप अपने धन के स्रोत को दो कर सकते हैं, अपने व्यवसाय में भी दुगनी तरक्की कर सकते हैं, यानी ऐसे विचार आपको आएंगे और ऐसी प्लानिंग्स आपको आएगी। इन प्लानिंग्स और इन विचारों पर आपको और ज़्यादा काम करना है और मेहनत करना है, बारीकियों को छांटना है और तब आप इस पर काम करके सफलता हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पहले से किसी साझेदारी के व्यवसाय में हैं तो अपने साझेदार के साथ आप जितना मधुर संबंध बनाए रखेंगे, उसकी बात पर उसको सम्मान देंगे और अपने आत्मसम्मान को भी डिगने नहीं देंगे तो अपने व्यवसाय में आप और आगे जाएंगे। यहाँ आप एक उम्मीद और कर सकते हैं कि 1 तारीख को आप दोहरी सफलता भी प्राप्त कर जाएं। 2 तारीख को आप एक सुखद समाचार प्राप्त कर सकते हैं या कोई ऐसा समाचार मिल सकता है जिसका संबंध धन से या आपकी संपत्ति से हो। इन सब के अलावा परिवार व मित्रों के साथ आपका समय बहुत अच्छा बीतेगा। आपकी योजनाएं जो आपने बनाई हैं अपने धन को बढ़ाने को लेकर के, वे कितनी कारगर साबित होंगी ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि शुरुआत आपकी कैसी है। इसलिए अगर आपको लगता है कि शुरुआत में आपको अपनी योजना पर एक बार पुनर्विचार करना चाहिए तो ये जरूर करिए। इन सब के अलावा अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं और उसके लिए कोई तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपनी तैयारियों में थोड़ा और ज़्यादा तैयारी बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस कई बार आपको धोखा भी दे जाता है। 3 मई के दिन आप आत्मसंतुष्ट व्यक्ति की तरह से पेश आएंगे। एक अलग प्रकार की मुस्कुराहट सारे दिन आपके चेहरे पर बनी रहेगी। अनायास ही आप अंदर से एक खुशी फील करेंगे। इस खुशी का, इस मुस्कुराहट का रहस्य ना तो आपको पता होगा ना आप इसको किसी और को बता पाएंगे, लेकिन इन सब के बावजूद आपके आसपास आने वाले हर व्यक्ति को एक प्रकार की खुशी प्राप्त होगी, संतुष्टि प्राप्त होगी। आप बहुत ही शांत और निर्मल बने रहेंगे। इस पूरे दिन में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन आपको सलाह ये दी जा रही है कि इस दिन को इस्तेमाल करें, अपने जीवन में कम से कम एक दिन शांतिपूर्वक बितावें और इस शांति को फील करके, एहसास करके इसका आनंद लें। 4 मई को आप एक नई ऊर्जा से ओतप्रोत रहेंगे। किसी प्रकार का कोई रहस्य आपके सामने उजागर हो सकता है और अगर ऐसा हो तो आपको उस रहस्य पर चुप्पी बनाए रखनी होगी, क्योंकि रहस्य तब तक ही रहस्य रहता है जब तक आप चुप रहते हैं। एक बार आपने बोल दिया तो फिर वो रहस्य नहीं रह गया, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। इन सब के अलावा अपने जीवन में नए सुधार करने के लिए इस दिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप ऐसी योजनाएं बनाएं जो आपके व्यक्तित्व में एक परिवर्तन लेकर के आवें, आपके जीवन में एक परिवर्तन लेकर के आवें। अगर इस प्रकार की योजनाएं बनाने में आप दिन को इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ये दिन ऐसे ही खाली चला जाएगा। ओवरऑल 4 दिन बहुत अच्छे हैं। इन 4 दिनों में प्रेम संबंधों के लिए भी 4 दिन बढ़िया हैं, लेकिन सबसे बढ़िया दिन है 4 तारीख का। तो दोस्तों, ये था दैनिक राशिफल 1, 2, 3 और 4 मई के लिए। मेरा कार्यक्रम आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके आप अपनी राय दे सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।